हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल एवरीवन लर्निंग में। आज हम टेबल ऑफ 11 एंड 12 लिखना और पढ़ना सीखेंगे, मतलब 11 एंड 12 का टेबल लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले 11 का टेबल लिखते हैं। तो 11 इंटू 1 इक्वल टू 11। 11 बन जा 11, उसके बाद 11 टू जा 22, 11 थ्री जा 33, 11 फोर जा 44, 11 फाइव जा 55, 11 six जा 66, 11 seven जा 77, 11 eight जा 88, 11 nine जा 99, 11 ten जा 110। तो इस तरीके से अगर हम 11 का टेबल लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और अगर दूसरे तरीके से लिखेंगे तो 11 वन जा 11, 11 टू जा 22, 11 थ्री जा 33, 11 फोर जा 44, 11 फाइव जा 55, 11 सिक्स जा 66, 11 सेवन जा 77, 11 एट जा 88, 11 नाइन जा 99, 11 टेन जा 110। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 11 वन जा 11, 11 टू जा 22, 11 थ्री जा 33, 11 फोर जा 44, 11 फाइव जा 55, 11 सिक्स जा 66, 11 सेवन जा 77, 11 एट जा 88, 11 नाइन जा 99 एंड 11 टेन जा 110। तो अब हम 12 का टेबल लिखते हैं। तो चलिए अब 12 का टेबल लिखते हैं। देखिए, पहले हम 12 लिख के मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 12, 12 बन जाए 12। अगर बच्चों, जैसे हमें अगर 4 बन जा भी 4 होता है, अगर आप 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आ जाता है। जैसे 13 बन जा भी 13 ही होगा। ठीक, तो आगे करते हैं। 12 वन जा 12, 12 टू जा 24, 12 थ्री जा 36, 12 फोर जा 48, 12 फाइव जा 60, 12 six जा 72, 12 seven जा 84, 12 eight जा 96, 12 nine जा 108, 12 ten जा 120, और इसको इस तरीके से लिखेंगे तो 12 वन जा 12, 12 टू जा 24, 12 थ्री जा 36, 12 फोर जा 48, 12 फाइव जा 60, 12 सिक्स जा 72, 12 एट जा 96, 12 नाइन जा 108 एंड 12 टेन जा 120। अब देखिए बच्चों, एक और तरीका है। ये दो तरीके तो मैंने आपको कराया है, एक और तरीका है। जैसे अगर मुझे कोई सा भी टेबल लिखना है 3 का, तो 3 वन जा 3 होता है, 3 टू जा, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप क्या कीजिए, इसमें 3 प्लस कर दीजिए।
और थ्री कितना होता है, जैसे 1 2 3 1 2 3, अब इसे काउंट करेंगे तो 6 होगा, 1 2 3 4 5 6, तो 3 2 6। अब इस 6 आया तो 6 में प्लस 3 कर दीजिए 9, तो 9 आ गया आंसर। तो ऐसे 3 1 3 3 2 6 3 3 9 आएगा, लेकिन हमें प्लस वही नंबर करना है जिसका आप टेबल कर रहे हैं। अब जैसे कि मुझे 12 का करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 12 है ना, तो इसमें मैं 12 प्लस कर दूँगी, तो 2 और 2 होता है 4 एंड 1 और 1 2, तो 12 2 24 हो गया। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया है 24, अगर आपको 12 3 निकालना है तो 24 में 12 प्लस कर दीजिए, 4 2 6 2 1 1 3 36। तो ऐसे आपके क्या होगा, आंसर निकलता जाएगा। जैसे कि अब मैं आपको एक और लास्ट करके दिखाती हूँ, 9 का, 9 2 जो आपको याद नहीं आ रहा है, तो आप क्या कीजिए, 9 में 9 प्लस कर दीजिए, तो 9 और 9 क्या होता है, कितना होता है, 18। अब आपको 9 3 करना है, तो 18 में आपको 9 प्लस करना है। यहाँ पे आप वही नंबर लीजिए जो जिसका आप टेबल कर रहे हैं, तो 8 और 9 कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यहाँ पे 17 हो गया, यहाँ पे 7 लिख देंगे और यहाँ पे 1 प्लस कर देंगे तो 2 27। तो 9 3 27 होता है। आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं अगर आपको नहीं समझ आए तब। तो ये 3 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। तो हमारा जो है 11 एंड 12 का टेबल कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को 13 एंड 14 का टेबल लिखना और पढ़ना सिखाऊंगी। थैंक यू।